पंजाबी की एक कहावत है कि खूह दी मिट्टी खूह च पहुंच ही जाती है। जगमीत बराड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 40 साल बाद जगमीत बराड़ वापस अकाली दल में शामिल हो गए हैं। अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल ने आज मुक्तसर में जगमीत बराड़ के निवास पर पहुंचकर उनको पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल, MP हरसिमरत कौर बादल, पूर्व मंत्री विक्रमजीत मजीठिया, हल्का इंचार्ज रोजी बरकंदी समेत अनेक अकाली नेता मौजूद थे। अकाली दल में एंट्री के बाद जगमीत बराड़ काफी खुश नजर आए। उन्होंने अकाली नेताओं का गले लगाकर स्वागत किया। जगमीत बराड़ ने ट्वीट करके अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को अपने इस फैसले की जानकारी दी। जगमीत बराड़ के पिता गुरमीत सिंह बराड़ अकाली दल के सीनियर नेता थे। अपने पिता की मौत के समय जगमीत बराड़ अकाली दल की कोर कमेटी के सदस्य थे। जगमीत बराड़ ने प्रकाश सिंह बादल को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार बताते हुए अकाली दल छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद जगमीत बराड़ हरेक मंच पर अकाली दल और बादल परिवार की आलोचना करते थे। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जगमीत बराड़ का पंजाब की राजनीति में अलग मुकाम था। पिछले 5 साल से जगमीत बराड़ पंजाब की राजनीति के हाशिए पर थे। जगमीत बराड़ में अनेक खूबियां भी हैं और कमियां भी हैं। जगमीत बराड़ अच्छे वक्ता और जुझारू नेता हैं। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण वे अपने विरोधियों को भी अपना बना लेते हैं। जगमीत बराड़ आंदोलन की आग से तप कर निकले नेता हैं। जगमीत बराड़ की सबसे बड़ी कमी पार्टी के अनुशासन में बंद कर न रहना है। इसी कारण जगमीत बराड़ अक्सर अपनी ही पार्टी की नीतियों और नेताओं की आलोचना कर बैठते हैं। अगर देश के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो न उनके दोस्तों की कमी है और न ही दुश्मनों की। जगमीत बराड़ के अकाली दल में जाने के फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। बहुत से लोगों ने अकाली दल में जाने पर जगमीत बराड़ को सोशल मीडिया में ट्रोल किया है। दूसरी तरफ जगमीत बराड़ के इस फैसले का स्वागत करने वालों की भी कमी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जगमीत बराड़ के अकाली दल में शामिल होने पर तंज किया है। कैप्टन ने इसे मौका प्रस्ती और अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने का अंतिम प्रयास बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि जगमीत बराड़ काफी समय से उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे। कैप्टन ने कहा कि बराड़ कांग्रेस में वापस आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई रिस्पांस न दिए जाने पर जगमीत बराड़ ने उसी बादल परिवार के आगे सरेंडर कर दिया जिसको खत्म करने का वह दावा करते थे। कैप्टन ने कहा कि जगमीत बराड़ का एक राजनीतिक एजेंडा है जिसे वह किसी भी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस ऐसे नेताओं के बिना ही अच्छी है, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आगे क्या होगा। जाहिर है कि राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं तो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन कौन सा चुनाव, लोकसभा का या विधानसभा का? अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कहां से, बठिंडा या फिरोजपुर? उम्मीद करनी चाहिए कि जगमीत बराड़ के अकाली दल में शामिल होने के बाद जल्दी ही इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।